तो हमने सोचा कि नवरात्रि के पहले शुभ अवसर पर हम भी एक नई शुरुआत करें। तो इस अवसर पर जबकि हमने नई पार्टी की शुरुआत की है, इस अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर के सभी मेरे भाइयों को और देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं। और अल्लाह करे, भगवान करे कि हमारे देश में शांति हो, सब प्यार से रहें, अमन से रहें, हमारे स्टेट में भी सब शांति अमन से रहें, खुशहाली हो, सब खुश रहें, सब धर्मों के लोग, सब जातियों के लोग जहां जहां भी है। पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। आजाद का ये मत समझिए गुलाम नबी आजाद, डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक के लिए है, पूरी स्वतंत्र होगी, जिसका मैंने उल्लेख पहले किया कि अपनी सोच होगी, किसी भी पार्टी से, किसी भी लीडर से, किसी भी ग्रुप से प्रभावित नहीं होगी, अपनी सोच होगी और आजाद रहेगी। आजाद मीन स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट। और पार्टी डेमोक्रेटिक रहेगी, नीचे से इलेक्शन सब रहेंगे, ऑटोक्रेटिक नहीं रहेगी, एक हाथ में पावर नहीं रहेगी। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसमें प्रावधान होगा टोटल डेमोक्रेसी के आधार पर, और पार्टी की जो सोच होगी वो स्वतंत्र होगी, आजाद होगी। हमारी पार्टी का जो फ्लैग है, तो फिर ये सब खड़े होंगे तो ना 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 फिर सब खड़े होंगे तो पिछड़े वालों को कुछ बंद रखो, क्यों तुम मत 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 रखो, मत क्यों देते हो, एक बार नाम भी बोल दीजिए। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी, नहीं भाई वो एक पर ही फोकस होगा, हो गया। अब मैं डिफाइन करूंगा तीनों कलर, इधर से शुरू करते हैं मस्टर्ड कलर से। अभी तो फरवरी में भर के आएंगे, दिसंबर में ये जम्मू के और कश्मीर के खेतों में। इसका मतलब हुआ मस्टर्ड कलर का क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब है एक नई चीज क्रिएट करने की, पैदा करने की, सोचने की क्षमता।
इसका दूसरा मतलब ये है डाइवर्सिटी,